यस, तो जुड़े रहे हमारी लाइफ में और टेंटे दादी, थोड़ा सा मुंह में स्माइल तो ऐसे भयंकर सा, ऐसे मतलब एंग्री लेडी की तरह है, एंग्री लेडी की तरह उन्होंने अपना फेस बना के रखा हुआ है। हाँ जी, तो जुड़ते जा रहे हैं लोग हमारे साथ। हाय, हेलो, हाय, नमस्ते। तो हेलो, नमस्ते सबसे पहले सबको। और आज तो दादी पूरी चार्ज हो रही है, क्या, बिल्कुल। हाँ तो नमस्ते है सभी को, आपको मेरी ओर से, दादी की ओर से, दादी, और आप पे कार लगी नहीं, मत पे। मतलब मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ ओके, कोई बात नहीं। कुलदीप जी कह रहे हैं हाय जी, हाय, पूजा हेलो, बहुत। हेलो तो हेलो पूजा, तो सादिक बोल रहे हैं हेलो दादी। हेलो। मणि मिगलानी जी कह रहे हैं कि दादी जी कमजोर लग रही हैं। दादी कोई कमजोर नहीं है जी, दादी तकड़ी बहुत थोड़ा है। कैमरे का प्रॉब्लम हो जाता है, और आजकल तो कोई कम नहीं, आजकल तो मोटी हो रही है, वो बहुत मोटी हो गई, बहू के पुराने कपड़े सारे टाइट हो गए, बहू इतनी मोटी हो गई, खा खा के खा खा के। और कोई आया है हमारे घर के, मतलब दो टेन टेन। हाँ जी, ये है प्रियंका, हेलो प्रियंका। हेलो यस, शिल्पा, हेलो दादी एंड अंजलि, हेलो हेलो। शिल्पा, एंड थैंक यू सो मच शिल्पा, स्पेशली भी आपने मेरा नाम लिया नो। ओ हाँ जी, आशा कह रही है लव यू दादी, लव यू टू, बोलो लव हेलो ममता जी, ममता यादव बोल रहे दादी, राम राम। राम राम। सोनू क्या कह रहे हैं, सोनू सैनी, हेलो हेलो। हेलो सोनू। और देवराज भट्ट कह रहे हैं क्यूट दादी, तो हाँ जी बिल्कुल दादी, तो आपकी क्यूट है ही है, कब थोड़ा बहुत बहू के लिए भी लिख दिया करो। शुभाना बोल रही हैं, नारंगी कुछ बोल दो यार, आप तो ऐसे, ये तो ऐसे फोन में देख रहे हैं, नारंगी ने मुंह में दही जमा रखी है। जसप्रीत बंसल बोल रही है हेलो दादी, हेलो हेलो जसप्रीत, मेरी ओर से भी। हेलो। कोई ना, आपने मेरे लिए नहीं पूछा था, मैंने आपको हेलो बोल दिया, हेलो जसप्रीत। तो हेमंत बोल रहे हैं आई एम पाकिस्तानी दादी, हाँ एक हाँ जमाने में आई थी दादी, वहीं से ही आई थी, मतलब ये अपने बचपन में वहीं से आए थे। तो जैसे कि दादी बोलती है, मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि दादी बोलती है, जब ये छोटी सी थी ना दादी, जो शुरू से जुड़े हुए उनको पता होगा, जब दादी बहुत छोटी थी ना, तब दादी वहीं पाकिस्तान से आए थे दादी, और तब दादी की शादी हो गई थी, कहते मैं बहुत नहीं, छोटी दादी थी। की वही शादी हुई थी, शादी हो गया अच्छा था। ओके सॉरी, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो गई है। तो जब दादी जब छोटी थी ना, मतलब अब इनसे पूछे कितनी छोटी, मैं छोटी थी, मैंने इतनी कहा छोटी मत करो हाथ से। मतलब मैं यही पूछती हूँ कितनी छोटी, नहीं मैं छोटी सी। फिर धीरे धीरे दादी इन्होंने पांच छह पत्ते साल खोले, की, 5-6 साल की थी मीन्स जब थे। दादी 5 या 6 साल की थी, तो दादी की वही पाकिस्तान में ही शादी हो गई थी। तो शादी के बाद हमारे दादाजी ने यहाँ ले आए थे, और ओ इतनी तेज लगा दादी थी ना, ये बोलते थे कि बट्टे मारती थी मैं अपने ससुराल वालों को। तो हाँ जी, पूनम क्या कह रहे हैं, लव यू दादी, लव यू टू, लव लव यू यू टू, टू लव यू टू। तो मीन्स दादी हमारी ऐसी है, तो मिक्स है दादी, हमारा मिक्स है, इधर से भी उधर से भी, तो सबकी दादी। इधर वालों की उधर वालों की। प्रियंका क्या कह रहे हैं, आई लव यू आई लव जोड़ी, टू। ओहो थैंक यू सो मच, ओह आपको हमारी जोड़ी पसंद है, थैंक यू सो मच। पहले तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है उसके लिए भी थैंक यू सो मच, लव यू सभी को। सभी को और आप इतना अपना कीमती टाइम हमें देते हो, हमारी लाइफ में जुड़ते हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और ये धीरे धीरे फैमिली बहुत बड़ी हो रही है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया है, जिन जिन लोगों ने हमें फॉलो किया है उनको मतलब दिल से शुक्रिया है, और आपने इतना सारा हमें प्यार दिया है, और आपने दादी को इतना प्यार दिया है, और दादी के पीछे पीछे मुझे भी इतना प्यार दिया, मतलब हैट्स ऑफ है आप सभी को, आप लोगों की वजह से आज हम यहाँ हैं। तो शुक्रिया है अगेन टू अगेन, बहू बार बार आपको हाथ जोड़कर, अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करेगी, और दिल से धन्यवाद कर रही है, और दादी भी करेगी, तो कहते हैं मैं खुद कर लूंगी, और क्या। बोलना पड़ता है मुझे, हाँ मैं अपने आप कर शुक्रिया अदा लूंगी। कर दो सभी का, हाँ शुक्रिया है आप शुक्रिया सभी सभी का। को, यस, और क्या। और क्या, हाँ डे बाय डे आप अपना इतना हमें हाँ प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच।
थैंक यू, थैंक यू। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग हमें इतना प्यार देंगे और हम लोगों की जोड़ी को आप लोग इतना पसंद करेंगे। मैं चाहती हूँ जो बैड कमेंट्स में अपना रिप्लाई देते हैं, तो जिन जिन्होंने कमेंट्स पे रिप्लाई दिया, मैं उनके कमेंट सॉरी उनके रिप्लाई पे मैं शुक्रिया आपका जो आप हमारे फेवर में उतरते हो। जैसे मैं बोलती हूँ कि आप एक फैमिली की तरह हमें प्रोटेक्ट करते हो, तो थैंक यू सो मच उन सभी को और शुक्रिया दिल से। तो मैं जैसे मैं बैड कमेंट्स को रीड करती हूँ, जब मैं उसमें आप लोगों का रिप्लाई देखती हूँ, तो मैं उस टाइम लाइक जरूर करती हूँ। जिन जिनको मैंने लाइक दिया उनको पता होगा, और मेरे मन में था कि मैं नेक्स्ट लाइव में आऊंगी और जरूर बोलूंगी कि आप हमारे फेवर के लिए उतरते हो, आगे खड़े होते हो। थैंक यू सो मच, हमें प्रोटेक्ट करते हो। जो भी नहीं समझ पाते हमारी आपस की जोड़ी को या हमारी मार धाड़ नहीं करते हम ना, हम नोक झोंक करते हैं सॉरी, तो आप लोग समझते हो, आप लोग पसंद करते हो और आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और इतना सारा प्यार देने के लिए मैं जितनी बार लाइव में आती हूँ, मतलब तहे दिल से आपका शुक्रिया करूंगी कि आप लोग हमें डे बाय डे जो यहाँ से मतलब शब्दों में नहीं, यहाँ से और यहाँ तक, थैंक यू सो मच। तो आप करते हैं आगे की बात। तो दादी, आज दादी अपने बारे में कुछ बताएगी। आज पूछेंगे दादी दादाजी के साथ कैसे थी रियल लाइफ में। तो मैं आज आपको बता दूं दादाजी और दादी में कौन सीधा था, मतलब कौन होगा, आप लोग खुद बताओ। मतलब दादा दादी की जोड़ी में, मतलब मियाँ बीबी में, इनमें से कौन सही रहा होगा, शरीफ, मतलब शरीफ बोलते हैं ना, शरीफ दादी, चोर की दादी में तिनका, ओ दादी, हाय हाय दादी, हाँ। सभी को बताया, वैसे हाँ। की जरूरत नहीं है, सभी को बता, आप हाँ। भी बताइए, बताइए मतलब कौन रहा होगा सीधा साधा और कौन रहा होगा तेज तर्रार, बताइए प्लीज। देखें आप लोग कितना हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और कितना आप लोग हमें जानने लगे हैं। हाँ। तो जैसे आपको दादी चलाक लगती है, सागर भानुशाली कह रहे हैं कि दादी, हाँ देखा। बिल्कुल सागर भानुशाली जी बिल्कुल सही बोला, ये दादी ने यहाँ नंबर बना रही है सच्ची। ओहो बाबा, ए तो मेरे शुक्ला जी कह रहे हैं दादा दादा दादी का नाम क्या है, दादी का नाम दादी बताएगी, दादी अपना नाम बताओ, मेरे को पता नहीं, देखा ऐसे मस्करी कर दिया, सब पता ही नहीं। दादी का नाम मैं बताती हूँ, मैं इसलिए बैठती हूँ यहाँ पे कि मैं आप लोगों को बताऊँ, इनके मतलब इनके राज खोलूँ। इनका नाम, थैंक यू सो मच, तेरे दादी का नाम है, क्या है, पारो, ए पारो, सच में मैं जैसे बता रही हूँ, हमारे दादाजी बहुत सीधे थे, बहुत, ये हमारी बहू भी बहुत सीधी है ना, मैं तो बोलती हूँ, मैं तो सर की कॉपी, मैं कह रही हूँ इनकी गद्दी लेनी है मैंने, मैंने भी इसी मंजे पे कब्जा करना है। लेकिन दादी मैं मंजे पे नहीं सोती, मैं इस मंजे की जगह ना जी बेड रखूंगी अपना। तो ये तो इनको, ये तो शुरू से मंजे में सोते हैं, इन्हें मंजे में सोने की आदत है। जैसे मैं ना कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तब ये था, दादी ना मंजी पे दे रखी है, दादी मंजी पे सोती है, गद्दा भी नहीं है, तो ये ऐसे ही सोते हैं। तो मैं अपना बता रही हूँ, जब मैं दादी की गद्दी लूंगी तो मैं यहाँ पे बेड बिछाऊंगी और गद्दा बिछाऊंगी, क्योंकि भाई इनको ऐसे नींद आती है, मुझे ऐसे नींद बिल्कुल नहीं आती, मुझे गद्दे के साथ नींद आती है। और तो वो ना दादी के पीछे पीछे घूमते थे दादाजी, है ना, सर आ जाते थे ना दादी जैसे, है ना, तो खाना खा ले। दादी की कास्ट ना क्या है, दादी बताएगी आज अपनी कास्ट बताओ अपनी मायके वाली, सपड़े। तो दादी सपड़े है, तो दादू पता क्या कहते थे, निसपड़ी रोटी खा ले। तो दादी कहते मगरू लो, मैं नहीं खाती। सच्ची में ये ऐसे लड़ते थे। उन्हें लड़ती मैं लड़ती हूँ, मैं बिल्कुल लड़ती हूँ, लेकिन मैं एक मेंटे नहीं। मैं बिल्कुल लड़ती हूँ, लेकिन ना दादा दादू की मतलब मैं ना बहुत मिस करती हूँ, अगर मतलब आज हमारे दद्दू होते तो मैं इनकी नोक झोंक भी आपको जरूर दिखाती। ये ना ऐसे, ये ना इनकी यहाँ ना यहाँ पे ये पूरी बड़ी विंडो सी है। डैनी डबराल जी कह रहे दादी लव यू बोल दो। हेलो डैनी जी, लव यू टू 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 डबराल डबराल भाई है ना भाई,
है ना भाई, है ना भाई, भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, कोई चाचा हो या जो भी हो, सेम सेम। तो थैंक यू, और बस ऐसे ही सपड़ी थी हमारे दादा की, लेकिन भाई दादू बड़े सीधे थे हमारे, शरीफ। दादी से बड़ा डरते थे वो, सच्ची में हैं, बहुत डरते थे दादी से। दादी एक दहाड़ मार दे ऐसे वहां जाकर बैठते थे। तो सीरियसली तो ऐसा था। चलो और बात करते हैं, ये तो हो गई। तो वर्षा जी बोल रही हैं कि मीठी याद है दादी, सो स्वीट। बिल्कुल वर्षा जी, और बहुत हंसी भी आती थी तब। और निशा शुक्ला जी कह रहे हैं आज दादी बहुत एनर्जेटिक है। मैं तो कह रही फुल चार्ज होके आ रखी आज दादी। बिल्कुल, और क्या, जैसे हर लाइन में होता है कि दादी नहीं बोल रही, दादी नहीं बोल रही, तो दादी ने बोला आज मैं बोल के दिखाऊंगी। बोलूंगी नहीं? हाँ बिल्कुल बोलो, बोलो अच्छे से। आ तो दादी, मैं उठ के भी चले जाऊँ ना, दादी पूरा मतलब ऐसे जवाब दे देगी, यू 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 करके। और देगी नहीं? और क्या, बिल्कुल देगी। सही बात है, दादी पूरी आज चार्ज होके आई अपने आप को। तो निशा शुक्ला जी पूछ रहे हैं अंजलि जी आपसे नारंग जी डरते हैं क्या? और क्या, डरते हैं, डरते हैं जरानी, तभी तो बता रही दादी को। सरे आम दादी, क्या सरे आम है? अपनी दीदी अपने आप बता रही है। भाई सभी के पति डरते होंगे, तो वही नारंग जी होंगे जैसे ना। तो किसी का पति नहीं डरता। ओ दादू नहीं डरते थे। एक दहाड़ मार दो दादी, टिक 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 वहां बैठ गए। रहने दो दादी, कल को हम भी ऐसे ही करेंगे। तू तो रोज ही ऐसे करती है। हाँ जी आगे बताइए। तो प्रभु नन्ना वारे जी कह रहे हैं दादी अंजलि ने मिस्टर नारंग फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच प्रभु जी, अवतार जी हेलो, और एक बार लव यू टू बोल दीजिए दादी। नाइस लिखा है अवतार जी ने। लव यू दादी को बोलते हैं कि दादी का लव यू टू बोलना बहुत पसंद आता है, तो एक बार दादी से लव यू टू बुलवाओ। दादी को लव यू टू बोल दीजिए। शुभानु भाई बोल रहे हैं हेलो दादी। हेलो रानी वत्स बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून दादी। गुड आफ्टरनून जी आपको भी। सागर क्या कह रहे हैं अंजलि मैडम और दादी, और साथ में हमेशा ऐसे। थैंक यू सो मच सागर जी। थैंक यू लीना कपूर की। हेलो लीना, कि प्लीज दादी को कहो लीना कहे लव यू प्लीज। हेलो लीना, लीना हेलो लीना, लव यू, लव यू टू, लव यू टू वो बोलेंगे, आप लव यू बोलो बस। लव यू आपको दादी की ओर से, लव यू दादी डबल ही करेगी, डबल डबल डबल। और क्या, आलिया हाय, सीमा कह रही है 100% चार्ज है। बिल्कुल बिल्कुल, चार्जिंग पूरी है दादी की, 100% पूरी चार्जिंग है। तो सोनम सिंह जी कह रही हैं कि मुझे मेरी नानी जी याद आ रही। थैंक यू सो मच किरण जी। लड़ती थी दादी, लड़ती थोड़ी ना है ना भाई दादी, लड़ते थोड़ी ना हम। तो सोनाली पखेत्रा जी कह रही हैं, पूनम जी कह रहे हैं एक मिनट लव यू अंजलि, थैंक यू सो मच एंड लव यू टू पूनम जी, इसलिए मैंने उनको रोककर आपको पहले पढ़ा। तो सोनाली पखेत्रा जी कह रही हैं कि दादी जी कैसे हो, कोरोना वायरस से परेशान हो गए हैं पर आपकी वीडियो देखकर मन खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच, आप ही कोरोना से बचे रहियो, बोलेगा के रखिए पहले तो। और बिल्कुल जी कोरोना से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना किसी ने भी, बहुत टाइम से घर में बंद के बंद ही हो रहे हैं। रितु खत्री जी कहते हैं कि मैंने तो आपका हर एक वीडियो देखा है। हाँ थैंक यू सो मच रितु जी। और रंजीत कह रहे हैं हेलो, हेलो। अनीता कह रही है वेरी नाइस, थैंक यू सो मच अनीता। अंशु गाबा कह रहे हैं आई मिस यू दादी। चलो मैं आपको बता, मिस यू टू अंशु आ गया कल सामने आ रहा गाबा। नहीं नहीं वो नहीं है, कोई और है दादी। और ये मेरा ना बोल बोल के ना गला वो हो गया, खाने से नहीं हटती। तो दादी को कैंडीज मिल रही है, थैंक यू सो मच। खाने से तो मैं, ममता लूथरा जी कह रहे हैं कि आपको देख के मुझे मेरी जाई जी याद आ जाती है। हेलो ममता जी एंड थैंक यू सो मच। वैसे भाई हम भी दादी को जाई बोलते हैं।
मैं एक्चुअली ना ये लोग झाई बोलते हैं नारंग जी, लेकिन मैं इनको दादी बोलती हूँ, मैं ही इन्हें दादी बोलती हूँ। हाँ और तभी मैंने इनकी आईडी ऐसे रॉकिंग दादी के नाम से बनाई थी, नहीं तो अगर मैं इनको ये झाई रॉकिंग चाय बोलती, होती है हाँ अरे अगर मैं इनको झाई बोलती ना, तो फिर इनकी आईडी होनी थी रॉकिंग झाई। बट ओहो मैं इन्हें ए नहीं, सच्ची में मैं आपको क्या बोलती हूँ, झाई बोलती हूँ, ना क्या बोलती हूँ दादी फिर, तो इसीलिए इनकी आईडी मैंने रखी थी रॉकिंग दादी, तो रॉकिंग दादी। निशी निशी शर्मा जी हैं हाँ जी जो कह रही हैं कि दादी बताओ ना आओगे हमारे घर, आपको हेलो इनवाइट कर प्रिया रहे हैं चौधरी, हम, थैंक यू सो मच। आपको इनवाइट कर रहे हैं हम, लेने आ जाएंगे। निधि जी, निशी शर्मा निशी शर्मा, हेलो निशी जी, आ बिल्कुल जाएगी निशी दादी, आप आ जाओ दादी के घर। जी थैंक यू सो मच जी। और पहले तो अभी ये कोरोना खत्म हो जाए, बट तब परेशान हो गए, अब परेशान हो गए हैं घर में बंद हो के। और नीरज गुप्ता कह रहे हैं लव यू, थैंक यू सो मच नीरज जी, एंड लव यू टू बोल दीजिए, तू मैं बोर हो गई अब। मैं होगी, तो हो गई हूँ मैं तो बोर बोर। होगी, या नहीं बोर हो बहू और हर जगह से और मार्केट बंद, पार्लर बंद, हर एक चीज बंद है, बाहर के फास्ट फूड बंद, कितना हाँ मिस करती हूँ, वो भी खाना ओ है वो भी इतना खाना है। खर्चा वहां करती थी ना, उतना ज्यादा घर करती है, खर्चे की ना पड़ी रहती है, दादी का इशारा देखा आपने। 24 घंटे ना खर्चे की पड़ी रहती है। और क्या, हाय हाय, मतलब मैंने क्या क्या सोचा था, मतलब लॉकडाउन से पहले कि संडे आएगा मैं ये वाह करवाऊंगी वो करवाऊंगी, मुझे क्या पता है एकदम बंद हो जाएगा। देख लिया प्रांड, मैंने रंग तो करवाना था दादी अपने रविंद्र बालों में। संजीव पसरीचा जी जो कह रही है, अंजलि जी प्लीज मेरा नमस्ते स्वीकार करो, मैं फर्स्ट टाइम लाइव आ रही हूँ हाँ आपके जी, साथ। कौन बोल रहे हैं, रमिता संजीव हेलो रमिता जी, पसरीचा एंड नमस्ते आपको मेरी और नमस्ते, दादी की ओर और से, क्या और थैंक यू सो मच हमारी लाइव में आने के लिए, और आते रहिए हमारी लाइव में। और सबसे पहले तो हमारी पेज को भी फॉलो करें तो जिन्होंने नहीं फॉलो किया है। प्रभु फॉलो प्रभु करते वारे नहीं जी ना, हैं, करे करे हो। हैं प्रभु वारे जी हैं, हेलो प्रभु जी, हाँ ये कह रहे हैं कि दादी फेवरेट लाइन इज पोता बोला बाला एंड अंजलि चला। देख लिया कितना फिर भयंकर हुंगारा भरा। हाँ ये है ही चला अंजलि। आए तो दादी को मौका मिल गया, दादी तो ना बुरास निकाल रही पूरी करी। हाँ जैसे ना सारे जानते हैं ना, पोता भोला भाला, नजर ना लगे किसी को इनके पोते की, और क्या। अगर पोता हाँ निशा शुक्ला जी पूछ रहे कि अंजलि जी इस लॉकडाउन में आपने क्या क्या नया डिश बनाया। नया नया डिश तो गोलगप्पे बनाए जी सबसे पहले हमने, हाँ पहले दिन पूड़ी बना दी थी गोलगप्पे की। फर्स्ट डे नहीं सही बने थे, नारंगी गलत बोल रहे, एक्चुअली फर्स्ट डे सही बने थे, बट वो उतने क्रंची नहीं बन पाए थे जैसे होते, लाइक जैसे हल्के से सिखाया था, फिर तो जी बढ़िया बने थे एकदम, मतलब मस्त वाले बने थे, और वो इन्होंने भी खाए थे, और वाकई और खाली आपके गोलगप्पे चल रहा है तो नेट का प्रॉब्लम भी चल रहा। और सेकंड डिश हमने बनाई थी वो ब्रेड के, यार वो क्या था, वो अमित ब्रेड के गुलाब जामुन, जो हाँ गुलाब जामुन बनाए हाँ थे। गुलाब जामुन हाँ ब्रेड के बनाए थे, वो बनाए हमने फर्स्ट टाइम, तो दादी बताएगी कैसा बना। देखो मैं नहीं अपने और मुंह क्या क्या बनाया आपने, और क्या पिज्जा क्या बनाया पिज्जा, लाइक यार नई डिश पूछ रहे हैं तो नई नहीं में। आपने क्या क्या बनाया, अच्छा क्या मतलब क्या बनाया, तो क्या क्या में तुमने मोमोज बनाए। दादी ने बनाया पिज्जा, हाँ ओ इन्होंने एक बार बनाया था, पहले हाँ, मैं पर बताती हूँ। पिज्जा बहुत बढ़िया बनाया था तो दादी ने टू बनाया। टाइम हमने पिज्जा बनाया, हमने मोमोज बनाए थे, और हमने गोलगप्पे बनाए थे, टू टाइम हमने गोलगप्पे बनाए थे, हमने पकोड़े भी बनाए थे, ब्रेड पकोड़े भी बनाए थे, और पास्ता बनाया था, और क्या, और मैगी तो मतलब मैगी की तो काउंटिंग ही नहीं है मतलब ना। हाँ और इडली बनाई, इडली कितनी तरह की बनाई, इडली सांभर बनाया पहले तो, हाँ इडली सांभर भी बनाया हमने, और एक हम मैंने बनाई मसाला इडली, वो भी बनाई, वो ज्यादा टेस्टी लगी, वो इन्होंने भी खाई। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बस ये बोर हो गए, इनको भूख लग गई, मैं तो बता रही हूँ ना मैंने क्या क्या बनाया यार। ओहो तो री हेलो रीना वो जी, पूछ रहे कि आप गढ़वाली हो अंजलि जी बिल्कुल मैं गढ़वाली छो, और खूब छा। गढ़वाली कितनी खुश होगी गढ़वाली। डैनी डबराल जी दोबारा पूछ रहे कि अंजलि जी आप हंसते तो क्यूट लगते थैंक यू हो, सो मच डैनी जी, और दादी तो वेरी क्यूट लगती है, अंजलि दी बोला उन्होंने। थैंक यू सो मच डैनी जी, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
रिया कपूर जी ये कह रही कि मैं आपको आपकी वीडियो देखती हूँ, हेलो रिया, फर्स्ट टाइम आपको लाइव देख रही हूँ। शुक्रिया रिया, और बहुत मस्त है, ऐसे ही हमें दादी देखते बहुत मस्त है। ओके ओके बहुत मस्त है। ओके दादी मस्त है, आई नो दादी मस्त है, दादी मस्त बोला, दादी मस्त, दादी तो मस्त है, दादी बहुत मस्त है, अंजलि को कुछ नहीं आता जाता है। ये इतने में दादी बहुत कुछ बोल जाती है, और क्या इशारा, सारा कुछ मैं बना लेती हूँ। इशारा हो गया, पिज्जा बनाया था भाई दादी ने, और क्या, मैगी बनाई थी, मैगी भी बनाई थी, मैगी तो दादी की फेवरेट है, सब कुछ बना लेती हूँ। आरती गोस्वामी जी कहते कि दादी इज बेस्ट। हेलो आरती जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इनकी तरफ से मैं बोल देती हूँ, माय थैंक यू बोल देता हूँ। मैंने अपने आप बोल दिया। तेजस्विनी सोनवानी जी हैं जो कह रही कि आई एम वाचिंग एवरी वीडियो, थैंक यू सो मच तेजस्विनी जी, और शुक्रिया आपका। और एक बार अमित जी मुझे बोलने दीजिए पहले पूरा सेंटेंस जो मैं बोलना चाहती हूँ। तो जो जो हमारे अभी लाइव को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, जिन्होंने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है, सो प्लीज आप लोग हमें फॉलो करें, और जो हमारी लाइव को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। और थैंक यू सो मच जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें इतना सारा प्यार दिया, और आप लोग जो हमारी लाइव का वेट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या, और बस कुछ नहीं, बस इतना कर लीजिए, अगर आप लोग बाद में भी अगर जो हमारी वीडियोस देखें, लाइव को देखें, उन्होंने अगर हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है, सो प्लीज हमारे पेज को भी फॉलो करें। मैं चाहती हूँ जल्दी से हमारे फॉलोवर्स 3 लाख पूरे हो जाए, और फॉलो भी करते हैं, हाँ मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। तो हिमांशी शुक्ला जी हैं जो कह रही कि आई विन मी वांट टू मीट दादी, आई वांट मीट दादी। हेलो हिमांशी जी, बिल्कुल हिमांशी जी, टेल मी हाउ। हाउ तो मींस मैं हमेशा अपनी लाइफ में ऐसा ही बोलती हूँ कि जब भी, अभी तो कोरोना है, जब भी इन फ्यूचर मतलब आगे आने वाले टाइम में जब भी कोई मीटअप, हाँ मीटअप होगा, कोई भी ऑफिशियल मीटअप अगर रखा जाएगा, मीटअप थोड़ा बहुत मुश्किल है, मुश्किल वही मैं कह रही हूँ ना, आने वाले टाइम में तो बिल्कुल हम अनाउंस जरूर करेंगे कि मीटअप पे जा रहे हैं, हम आपको पहले ही अनाउंस कर देंगे। सो प्लीज आप लोग तब वहाँ आइए, और तब आप वहाँ आके हमसे मिलिए, और हमें भी अच्छा लगेगा, और क्योंकि हम लोग खुद आप लोगों से मिलना चाहते हैं फेस टू फेस, की आप लोग जो हमें इतना प्यार देते हो, तो कम से कम आपको फेस टू फेस शुक्रिया तो करें, है ना भी दादी। निशी सूद जी हैं, हेलो निशी जी, सूद जी हैं, तो निशी जी कह रही है कि दादी तो बहुत सुंदर लग रही है, लगता है अंजलि जी आपने लॉकडाउन में दादी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। ये देखो आपके बोलते ही दादी दादी सुंदर, दादी फोटो दिखानी थी आपने, फोटो दादी फोटो दिखाना मुझे आज, वो जो रखी हुई है फोटो जवानी की, दिखाऊंगी है पे है, पीछे तो आपने इन्होंने बोला था कि है मेरे पास इतनी है पासपोर्ट साइज की, हाँ उस टाइम में होंगे, इतनी थोड़ी ना होंगे, इतनी होंगी। किरण दुआ कुमार जी हैं, हेलो किरण जी, किरण जी बोल रही हैं कि बेस्टेस्ट अंजलि एंड दादी, थैंक यू सो मच किरण जी, यू आर लकी क्योंकि अंजलि जैसी वाइफ आपकी लाइफ पार्टनर है। थैंक यू सो मच किरण जी, खुश होंगे नारायण जी, तो थैंक यू बोलेंगे तो इसका जवाब दादी देगी, दादी तो बस दे दादी, दादी खुश होगी, और क्या, बहु खुश, मैं तो वैसे बहुत खुश होती हूँ जो कोई मेरे लिए लिखता है, क्योंकि जब दादी के लिए लिखे दादी देते हैं तो मुझे भी ऐसे अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए खुश हो जाती हूँ। दादी और धुएं आ रहे, कहाँ से आ रहे धुएं, लोग जल रहे हैं, जलन दे चले दे। मंजू जी कह रहे हैं शानदार दादी और सुंदर बहू, थैंक यू सो मच मंजू जी, थैंक यू। अनु नारंग कह रही हैं क्यूट दादी, हरप्रीत राय जी बोल रहे हैं, हेलो हरप्रीत जी, कि दोनों बहुत प्यारे लगते हो, थैंक यू सो मच हरप्रीत जी, शुक्रिया आपका। तो उस्मान हैदर जी कह रहे हैं कि नारंग जी मेरा सलाम तो पहुंचा दीजिए दादी को, तो उस्लाम जी, उस्मान जी, तो दादी की तरफ से भी आपको नमस्ते, बहू की तरफ से भी आपको नमस्ते, और क्या, और एक बात और बोलना चाहूंगी, इंस्टाग्राम पे जो जो बंदे हैं मतलब जो जो फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, तो दादी की जो आईडी है रॉकिंग दादी के नेम से है, तो